गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11। ओके बेटा, हम लोग आज स्टडी करेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1, सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था। आज यहाँ देखेंगे नेहा एंड प्रिया बारोड ₹5,400 and ₹6,000 रेस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन होल 3/5 ईयर। इफ प्रिया पेड ₹240 मोर देन नेहा, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके बेटा, यहाँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे नेहा एंड प्रिया, ये दोनों लोग ₹12 उधार लिए हैं, 5,400 और 6,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो आपका है 5,400 और 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, वन होल थ्री बाई फाइव टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। टाइम वन होल थ्री बाई फाइव ईयर दोनों के लिए टाइम सेम है, ठीक है। लेकिन जो प्रिया है वो नेहा से ₹240 ज्यादा पेड करती है, तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 10.1 बेटा एक्सरसाइज 10.1 है ये। तो राइट करते हैं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर। कंसिडर किया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आर है। अब देखिए जो नेहा है ये रुपीज बारो करती है 5,400, इसके लिए प्रिंसिपल कितना होगा 5,400। और जो प्रिया है वो बारो करती है 6,000, इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। सर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर रुपीज वन होल थ्री बाई फाइव ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है और टाइम भी दोनों के लिए क्या है सेम ही है। टाइम दोनों के लिए सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बट प्रिंसिपल क्या है दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। और इसकी वजह से जो प्रिया है वो नेहा से ₹240 ज्यादा पे करती है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, ठीक। तो एक तरफ आपका हो जाएगा प्रिया का अमाउंट, दूसरी तरफ हो जाएगा नेहा का अमाउंट, ठीक है। एक तरफ प्रिया का अमाउंट होगा, एक तरफ नेहा का अमाउंट होगा। अब देखिए जो नेहा है उसका जो अमाउंट है 5,400 है और टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमारा दिया गया है वन होल थ्री बाई फाइव ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए क्या है सेम है, मतलब ये हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू। अब फिर देखेंगे जो प्रिया का अमाउंट है 6,000 है, इसके लिए प्रिंसिपल 6,000 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम वही रहेगा वन होल थ्री बाई फाइव ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, आर ही रहेगा, ठीक है, अपॉन 100 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जो प्रिया है वो नेहा से ₹240 ज्यादा पे करती है, कौन, प्रिया नेहा से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेहा के अमाउंट में 240 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 240 ऐड कर देंगे। अब हमारा दोनों क्वेश्चन बैलेंस हो गया है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा, पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सिंपलीफाई करते हैं। 5,400 ओके, अभी वीडियो भेज रहे हैं। 5 × 5 + 8 अपॉन 5 हो जाएगा इनटू आर, 5 को हम नीचे सेंड करेंगे तो हो जाएगा 500 और प्लस 240 अपॉन 1 लिख लेंगे। इधर भी सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ भी वही आएगा, सेम आएगा 6000 इनटू 5 × 5 + 3 8 हो जाएगा 8 इनटू आर अपॉन, जो ये 5 था इसको हमने नीचे सेंड कर दिया था, 500 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करना होगा, यहाँ देखेंगे 500 और 1 कैल्सियम आएगा 500 और 500 से 500 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 0 = 0, 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 40 + 3 = 43 हो जाएगा ये। और यहाँ पर R लिखेंगे प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 ये 0 0 हो जाएगा डबल टाइम, 5 × 4 = 20, 2 कैरी होगा, 5 × 2 = 10 + 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू, यहां पर आपका मिलेगा, अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6848 इंटू आर अपॉन 500 हो जाएगा ये। इससे 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां देखना है ये आर है जो आपका 48,000 आर उधर से ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा 43200 आर, इसको इधर लाएंगे ये माइनस 48000 आर हो जाएगा और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे ये आएगा माइनस 120,000। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे वहां पर आपका है 48,000 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 43,200, देखेंगे कितना आएगा, 7 से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, 48 हो जाएगा ये, इधर आएगा माइनस 4800। ठीक है, इंटू आर, इधर आएगा माइनस 120,000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120,000 अपॉन 4800। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1200 अपॉन 48। अब डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12, 12 4 जा 48, ये आपका ऊपर 100 बचेगा नीचे 4 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे फिर कितना आएगा 25 4 जा 100, ये आएगा 25%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 25%, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बेटा अभी हम इसकी वीडियो भेज देंगे, अभी हम तुरंत भेज देंगे इसकी वीडियो अपलोड करके। ठीक है, अभी हम जैसे हाँ ग्रुप में भेजेंगे इसकी वीडियो, तुरंत भेजेंगे। अभी देखिए हमने 7th की वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपकी क्लास की वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे। नोट हो गया, मेरा क्वेश्चन नोट हो गया। इरेज करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन। उत्कृष्ट आवाज जा रही है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से अभी पहले आपको समझना है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, जो सम ऑफ मनी है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल का कितना पार्ट है 1/16 पार्ट है, एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर दोनों क्या है सेम है, तो जो आपका टाइम है और जो आर है दोनों सेम है, तो टी इज इक्वल टू आर, रेट इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा यहाँ पर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला हमें यूज करना है, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितने टाइम है 1/16 टाइम, बट क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन 12 है, एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द इंटरेस्ट बी एक्स, हमने मान लिया जो इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है एक्स है, एस आई को हमने कंसीडर कर लिया, एस आई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए जो प्रिंसिपल होगा, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखिए जो प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट कितने टाइम है 16 टाइम है, ये कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट
आपका मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आपका एक्स हो गया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 16x हो जाएगा ना। वो प्रिंसिपल जो है एसआई का 16 टाइम्स है ना, या 1/16 पार्ट है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 16x हो गया। और जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है ना। इधर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम। तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू टी, आर किसके इक्वल, यहाँ पर टी के इक्वल है। आर जो है टी के इक्वल है, तो हम इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू उठा के पुट करेंगे। देखिए ऐसा ही हमारा कितना है, एक्स है, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है, 16x है, 16x हो जाएगा इन टू रेट कितना हमारा दिया गया है यहाँ पर ये दोनों हमारे इक्वल है, रेट और टाइम दोनों हमारे इक्वल है, तो कितना होगा आर इन टू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर करते हैं, जो रेट हमारा है वो टाइम का इक्वल है, होल अपॉन 100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू को, 100 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 100x और इज इक्वल टू 16x इन टू आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड में लिख रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100x अपॉन 16x हो जाएगा ये, x से x कैंसिल हो गया तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 अपॉन 16, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का और 16 4 का स्क्वायर होता है, ये आ गया। अब इसी को हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, 4 1 4 2 2 4 5 2 10 5/2। अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे 5/2 को, तो डिवाइड करेंगे 2 से 5 को, कितना आएगा पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 होल 1/2, रेट फाइंड करना तो परसेंट में आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 होल 1/2%, 2 होल 1/2%, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, इसमें क्या लिखा है, ये फार्मूला है, ये हमने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको एक्स कंसीडर कर लिया, और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का 16 पार्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स हो गया, प्रिंसिपल हमारा 16x हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इक्वल है, इसलिए आर इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया गया है एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16x इंटू पी इंटू, क्या किसी को नहीं दिख रहा है।